के मालदीव जो है वो इतना बर्बाद हो चुका है कि अब वो एक बार फिर से भारत से मदद मांग रहा है। मालदीव के जो टूरिज्म एसोसिएशन है उन्होंने भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की है और उन्होंने ये कहा है कि हमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बुनियादी तौर पर पता है कि दे आर डन एंड दे आर डन फॉरएवर। कि ये जो फिर उस वक्त हालात ख़राब हुए, ट्रैवल बायकॉट, आपको पता है इंडिया के लोगों ने ट्रैवल बायकॉट करना शुरू कर दिया, टूरिज्म इंडस्ट्री। अब टूरिज्म इंडस्ट्री जो थी मालदीव की, कहा जाता है कि इट कंट्रीब्यूट्स वो 20% मालदीव की जीडीपी में, और इंडियन टूरिस्ट भी बहुत बड़े, इस पे उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनका टूरिज्म खत्म हो सकता है। और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इस बिना पर, क्योंकि इंडिया से एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो मालदीव जाती है एज ए टूरिस्ट, तो उनको, मालदीव को एक बड़ा नुकसान इसका होगा? जाहिर है इंडिया से भी लोग जाते होंगे इन लार्ज नंबर्स, तो वो मार्केट अगर उनकी खत्म हो जाए तो बड़ा लॉस है उनको। इसने ये भी गिनवा दिया कि भाई चीन ने $50 मिलियन एक टूरिज्म पार्क के लिए हमें दिए हैं और ये दिए हैं और चाइना फलाना, तो चाइना ढिमका। इसने पूरी स्टोरी सुनाई और एंड में चुपचाप इसने कटोरी चाइना के सामने रखी और बोला कि भारतवासी तो आने नहीं वाले मालदीव, क्या तुम कुछ टूरिस्ट भेज सकते हो? ये देखो एंड में गया है भीख मांगने के लिए। उनको तो आगे मुस्तकबिल दिखाई कोई नहीं दे रहा अपना। आप चाहो तो इसे हराम खोरी और काम चोरी भी कह सकते हो, लेकिन ये हमारी पहचान है। ठीक है, तो ठीक है, वो बेचारे सही परेशान। तो ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन, बट क्या किया जाए अब। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मालदीव आप अपने लाइन पे आ गए, ठिकाने पे आ गए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक समय था जब मुइजू गए थे चाइना, और चाइना जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई आपके कहने पे हमने भारत से तो मंगा ले लिया, तो भारत के टूरिस्ट तो अब हमारे देश में आएंगे नहीं। तो जिनपिंग साहब, चाइना साहब, एक काम करो आप लोग कि भारत के टूरिस्ट नहीं आएंगे तो आप अपने टूरिस्ट को बढ़ा दो मालदीव में। चाइना ने कहा बिल्कुल हम बढ़ा देंगे, आप जाओ। ठीक है भाई, मुइजू आ गए और 6 महीने भी बीत गए, लेकिन दोस्तों कौन कहे चाइनीज टूरिस्ट मालदीव में बढ़े बल्कि घट गए। 34% से ज़्यादा घटोत्तरी हुई है, चाइनीज टूरिस्ट भी अब मालदीव नहीं जा रहे, क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं कितनी स्पीडली नीचे जा रही है। चाइना में लोग परेशान है तो मालदीव क्यों जाएंगे, जहां भारत ने वैसे ही मालदीव में सब चीज़ की शॉर्टेज क्रिएट कर रखी है। क्रिएट इन द सेंस कि जो हम पहले फ्री में मालदीव को दान देते थे अब हमने नहीं दे रहे, तो मालदीव में खाने की शॉर्टेज, पीने की शॉर्टेज। वैसे भी पूरी दुनिया के टूरिस्ट कह रहे हैं भाई ऐसे देश में क्यों जाऊँ जहाँ पे खाने की शॉर्टेज इतनी तेज़ी से बढ़ रही। ठीक है, तो चाइनीज टूरिस्ट भी वहां पे नहीं जा रहे। ठीक है, तो एक बार फिर से जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मालदीव है उन्होंने घुटने पे आ गए भारतीय एम्बेसी के सामने, वहां जो मालदीव है उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज प्लीज आप भारतीय गवर्नमेंट और भारतीय लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो प्लीज मालदीव का विजिट करें और मालदीव में टूरिस्ट बन गया है, नहीं तो जो हमारा घाटा है वो बढ़ता जा रहा है, हमारे जो रिजॉर्ट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो घाटे में जा रहे हैं। पिछले 6 महीने से 58% से ज़्यादा लॉस देखने को मिला है मालदीव टूरिस्ट इंडस्ट्री को। ठीक है, और मालदीव टूरिस्ट इंडस्ट्री को ही बैकबोन माना जाता है मालदीव की अर्थव्यवस्था का। सो भारत के चरणों में मुझे नहीं लगता भारतीय गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करने वाली है लोगों से कि मालदीव जाओ। अभी भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार रहती है तो वो हमेशा कहेगी मालदीव मत जाओ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जाओ या भारत के किसी क्षेत्र में जाओ। पूरा देश एकजुट हो गया, पूरे देश ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम मालदीव नहीं आएंगे, और इसीलिए #boycottmaldives जो है वो ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो पूरी तरीके से मालदीव का खत्म होता हुआ नजर आया। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी कई ऐसे लोग थे जो भारतीय हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो है घूमने के लिए मालदीव कभी नहीं जाएंगे। कॉस्ट प्राइस भी कुछ होती है, क्या मालदीव उसके लिए तैयार है? आई डोंट नो। मालदीव के लोग दे हैव टू कम टू ग्रिप्स के इंडिया इज अवर बिग नेबर और इसके साथ अच्छे ताल्लुक जो हैं वो उनके इंटरेस्ट में है। और उन्होंने कहा, मौजू ने जो किया बात की, उन्होंने कहा ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दें, हमारे पास टूरिज्म लेके आए, मालदीव में इन्वेस्ट करें। ठीक है जी, और मेरी बस ज़ाती राय ये थी कि द मालदीव शुड नॉट हैव गॉन टू चाइना फॉर दैट मैटर व्हाइल अनोइंग इंडिया, दे कुड हैव गॉन टू इंडिया ऑन अ फर्स्ट ट्रिप, बाद में चीन भी चले जाते, टर्की भी चले जाते, विदाउट क्रिएटिंग हाइलाइट्स। फर्स्ट यू हैव टू सिक्योर योर सेल्फ, देन यू प्लान फॉर दिस एम्बिशियस थिंग। आप पहले दिन ही अपने आप को कंट्रोवर्शियल करके कि जब देखें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को आलू टमाटर डालने, चीनी आटा भेजने वे का शुक्रिया अदा करें,
ये इसलिए क्रिएट किया, शुक्रिया अदा किया ना, क्योंकि आप तुर्की और चीन चले गए। अगर आप तुर्की और चीन ना जाते थे, ये शुक्रिया अदा दालां दे शुक्रिया नहीं सन, चीनी दे शुक्रिया अदा करने पड़ना। तो इस सिचुएशन में तो उनके लिए बहुत ही आसान है किसी भी, खासतौर पर जब हम मालदीव की बात कर रहे हैं, उनको कोई डस पहुंचाना कि ठीक है ऐसा है तो फिर ऐसा कर लेते हैं। आई एग्री। तो ये मालदीव के सियासतदानों को और हुकूमत को इसका सोचना चाहिए ना कि क्या चीज मुमकिन है और क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ही इतनी वो क्या कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल हो तो सारे मुल्क को उसका नुकसान होता है। तो सर इससे पहले हमने देखा कि जब कनाडा और इंडिया के बीच जो एक डिस्प्यूट था उसके ऊपर, हालांकि कनाडा तो मालदीव से कोई उसका कंपैरिजन नहीं है, एक बड़ा कंट्री है और कनाडा की अपनी एक वो है से, लेकिन इसके बावजूद कनाडा को भी बार बार कई मौके ऐसे आए कि जिसमें उनको थोड़ा नीचे होना पड़ा, कहना पड़ा कि नहीं हम तो रिलेशंस चाहते हैं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं तोड़ना चाहते, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो अब क्या, यानी कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने बड़ा बहुत ज्यादा सख्त, हमने देखा कि उसकी तरफ से रिस्पॉन्स दिया गया इंडिया की तरफ से, तो अब मालदीव को उन्होंने ये नहीं देखा कि एक हम कैसे सर्वाइव करेंगे अगर वो नहीं कर पा रहे या दूसरे कंट्रीज जो है, क्योंकि जाहिर है सर डॉक्टर साहब हम ये तो बात करते रहते हैं कि इंडिया अपनी एक इकोनॉमी और एक अपने बड़े एक पॉपुलेशन उसके तौर पर एक बड़ी ताकत तो है और एक मिलिट्री पावर भी है रीजनल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने नेवी बहुत अपनी बढ़ा ली है, वो चाइना को फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में और इन चीजों में। तो मालदीव्स को इन हालात में अपने आप को जिस तरह न्यूट्रल एक होता है मुल्क, गुड रिलेशंस विद ऑल बैड रिलेशंस विद नोबडी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ अगर इंडिया की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है तो वो डिप्लोमेटिकली उन्हें समझाई जा सकती है, पब्लिकली जाके ये बयान दे देना जो है ये मालदीव्स के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये आजकल जो है ना ये सियासी हरकतें तरीके जो हैं वो इतने बदल चुके हुए हैं कि हम जो समझते हैं कि हर चीज को सोच समझ के बात करनी चाहिए वो अक्सर इस किस्म की बेहुदा बातें आप सुन लेते हैं। तो मालदीव्स ने ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ गलती की है। सार्क का वो मेंबर है, सार्क इज नॉट डेड एंड डिसॉल्व, वो अभी एग्जिस्ट करती है, उसको एक्टिवेट करना चाहिए सारों की गुड रिलेशंस के लिए। और इतना ट्रेड ये जो है टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं मालदीव्स, तो वो भी इनको जेन में रखना चाहिए। पता नहीं क्या उन्होंने लोकली सोचा है। लेकिन सर ये जो आपने कहा, सर ये जो आपने कहा कि अगर वो समझते हैं कि कोई प्रेजेंस है इंडिया की तो उनको, लेकिन सर अगर ऐसी बात होती है डॉक्टर साहब तो ये तो एक डिप्लोमेटिक वे में बात होती है ना, और ये डिस्प्यूट तो वो किसी और फोरम पे उठाते या हमें कुछ ऐसा नजर आता। ऐसी तो कोई बात पिछले काफी अर्से में हमें कोई मालदीव की तरफ से नजर नहीं आई, लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं अपने वो उस पे और ये फिर ये बात सामने आती है, उनकी जो कंट्री मैन है उनकी तरफ से नीचे लिखा भी जाता है कि जनाब ये अगर यहाँ पे ये डेवलप हो जाए तो मालदीव का टूरिज्म, तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उससे कुछ ऐसा फील किया और वो किया कि जल भून के जिसे कहते हैं ना, ये नाराज होके वो ले कॉमेंट किए। अब मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हुकूमत जो इलेक्ट हुई है वो एंटी इंडिया वोट पे हुई है ना, हैंड्स ऑफ इंडिया वाली बात पे। तो अब हाँ इसी पे वो इलेक्शन जीते हैं। उससे पहले जो हुकूमत थी वो इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे, इन्होंने इलेक्शन ही इस कैंपेन पे जीता है। और चाइना के साथ जो ये प्रेसिडेंट है इनके खासे क्लोज रिलेशनशिप है। अब वो चाइना को किस तरह यहाँ पे लाएंगे इंडिया को बैलेंस करने के लिए, आई डोंट नो कि वो क्या होगा, क्या चाइनीज टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे। चाइनीज तो मैंने देखा है हजारों लाखों की सूरत में, जो ये चाइनीज लेडीज हैं वो ये स्टॉकहोम और इधर आती हैं और सबसे महंगे वो जो हैंडबैग हैं और घड़ियां वो खरीदती हैं, वहां पे तो मौजें हो गई हैं जितना पैसा चाइनीज लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट मुल्क है। पता नहीं मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म की कम्युनिज्म है जहाँ पे इतने बिलियनर हैं और इतनी कुछ लोगों के पास इतना पैसा है। लेकिन चाइना जाहिर है इंडिया से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा मजबूत मुल्क है, नंबर टू है दुनिया में इस वक्त। तो मालदीव वालों ने क्या सोचा है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो उनकी टूरिज्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है और वैसे भी जो एक सिक्योरिटी इशू होता है ना, आप एक बड़े मुल्क को प्रोवोक कर दें तो वो आपको कई तरीके से प्रेशराइज कर सकता है। व्हाई शुड मालदीव्स लैंड अप इन सच ए सिचुएशन, आई डोंट नो।